नमस्कार, मैं हूं चंद्रप्रकाश नीरज और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। आज चंडीगढ़ में मतदान हो रहे हैं और सुबह से लोग मतदान के लिए निकल रहे हैं। आज हम चंडीगढ़ के राम दरबार फेज टू में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि लोग काफी संख्या में बाहर निकले हैं मतदान करने के लिए। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या राय है इस बारे में। अमित जी, आप कितने बजे से हैं? मैं तो एक घंटा हुआ। तो आप क्या सोचते हैं, किसकी सरकार आएगी? सरकार तो सबके हत्या करता कोई नहीं है। कुछ आपको पसंद नहीं आया सरकार का काम? मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। तो फिर अब आप क्या है, थोड़ा बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो हर कोई चाहता है, होता तो है नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच के पता ही है तो अभी क्या हो रहा है। सरकार बदलो, सड़कें जो टूटी हुई है तोड़ने का बंदा भाजपा ने भी कुछ नहीं कर। आइए राम दरबार पानी ने तरस से रोके पूरा जी, अपने अपने अपना काम करते हैं, चले गरीब बंदे ऐसे धक्के खा रहे। तो इस बार चंडीगढ़ का सांसद किसे देखते हैं? चंडीगढ़ का सांसद किसे देखते हैं? सरकार को वोट डालना, अपने किसी को नहीं देखना खाते में। अगर कोई भी सत्ता में आता तो उससे क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं? उम्मीदें तो बहुत रखते करते, तो कोई फिर भी अब पहले रखी थी, अब क्या सोचे? अब कुछ नहीं, अब तो सरकार मतलब किरण मैम ने कुछ नहीं किया अभी तक, उसने कुछ नहीं किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया। तो आप किसकी सरकार क्या लग रहा है? देखो अभी वोट डालने में पता, अभी तो 23 तारीख को पता लगेगा। अभी भाजपा के कार्यकाल भाजपा की ठीक ही है जी, कुछ कह नहीं सकते, कुछ किया है कुछ नहीं किया। अभी तो आप किसकी सरकार देख रहे चंडीगढ़ और प्रधानमंत्री मोदी जी? ओवरऑल अपने चंडीगढ़ में किसकी हवा चल रही है सर? चंडीगढ़ में दो ही पार्टियों की हवा चल रही है, कांग्रेस और बीजेपी। इस बार सत्ता में कौन आएगी ये तो वक्त बताएगा। कुमार जी, आपने कांग्रेस देखो, कांग्रेस के टाइम में 79 में आज ये राम दरबार बसाया है जी, 84 में इंदिरा गांधी गुजरी पे, उसके बाद जगन्नाथ कौशल जी एमपी बने 85 में, कानून मंत्री 86 में है। कांग्रेस के टाइम में इतना साफ सुंदर शहर है, सबसे ब्यूटीफुल एक नंबर पे है, अब आके 20 नंबर पे है, क्या क्या बेनिफिट हुआ है? किरण मैम से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं अगर वो सांसद बनती है? अगर सांसद बनती है तो उनको ज्यादातर हमारे लोकल सोसाइटी के बारे में सोच रहे थे, जो हमारे बारे में, जैसे कि ये रोड्स रेगुलेशन, ये व्यवस्था और पोल्यूशन जो इतना बढ़ रहा है। शुभम जी, कितनी बार वोट दे चुके हैं सर? पहली बार दे देने जा रहे हैं। क्या कुछ माइंड में है कि किसको वोट दिया जाए? बीजेपी क्यों सर? बीजेपी की 5 साल में काफी कुछ हुआ है, लेकिन चंडीगढ़ में कैसा रहा उनका? चंडीगढ़ में भी ठीक ही हुआ है, थोड़ा जो भी चल रहा है कार्य भी चल ही रहा है, रोड वगैरह बन रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर। तो आपकी राय है कि भाजपा को दोबारा मौका देना चाहिए, क्योंकि काफी कुछ हो चुका है और आगे जो सरकार दोबारा आएगी सत्ता में कांग्रेस आती है तो क्या लगता है आप? सत्ता में कांग्रेस आएगी दोबारा तो जैसा पहले हाल हुआ था वैसे ही होगा। पहले हाल जैसे मतलब पहले ठीक नहीं था ना? पहले ठीक नहीं था बिल्कुल। क्या मतलब क्या चेंजेस देखे कि मोदी जी ने आते ये कुछ कर दिया? हाँ, मोदी जी ने काफी कुछ किया, मतलब जो भारतीय शिक्षा पे ध्यान, लेडीजों के लिए जो रूल्स रेगुलेशन काफी है, पहले कुछ नहीं होता था, अब काफी कुछ हो चुका है। तो किसकी सरकार अब तक अच्छी लगी सर? कांग्रेस क्यों सर? वो इसलिए कि वो अमीर और गरीब के लिए फर्क नहीं समझती। तो भाजपा का जो अभी तक का 5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें क्या कुछ लगा उन्होंने अच्छा किया या और क्या अच्छा कर सकते? वो तो विदेश में रहे हैं 5 साल, तो विदेश में 3-4 साल विदेश में गुजार उन्होंने, यहाँ पे बाबा आए। तो चंडीगढ़ से जो सांसद किरण मैम, उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया? अभी तक तो नहीं किया। इस बार चंडीगढ़ में किसकी हवा लग रही है, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी? कांग्रेस भी आ सकती है, भाजपा का नहीं, जो अभी 5 साल का कार्यकाल रहा वो कैसा लगा आपको? कुछ काम नहीं लगा, नीचे तबके के लोग कुछ नहीं हुआ, मतलब जो रूरल एरिया है, जो गरीब घर के लोग हैं, जैसे कॉलोनीज हो गई, वहाँ कुछ नहीं, इसके लिए कुछ नहीं। इस बार देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं? बस हम तो यही कहेंगे जी, अच्छा बनना चाहिए प्रधानमंत्री जो भी बने। चंडीगढ़ में किसकी हवा चल रही है? चंडीगढ़ का या पूरे इंडिया का, ठीक है जी? तो
तो कैसा भला कुछ बताना चाहेंगे कि क्या राय देना चाहिए तो इस बार चंडीगढ़ में किसकी सरकार देखते हैं? बस ऐसी सरकार आनी चाहिए जो हमारे राम दरबार की सुविधा को पूरी कर सके। सड़क तो देखो कैसी है। कितने साल हो गए कि ये ऐसे सड़क टूटी पड़ी है, हमें तो कोई सुविधाएं नहीं है। बहुत साल हो गए, 5-6 साल हो गए जब से देखते हुए, तब से सड़क तो ऐसी ही है। चंडीगढ़ में किसको देखते हैं कि हमारे यहाँ का सांसद कौन होगा? नाम नहीं बता सकते किसी का, नाम लेंगे नहीं। एक जनता में जो लहर चल रही है, एक मोदी लहर चल रही है, तो आप मोदी से खुश हैं? मोदी आज कांग्रेस है, हमें तो कमा के ही रोटी खानी है। ये थी कुछ लोगों की राय जिनका कहना है कि मोदी जी का कार्यकाल अच्छा लगा और किरण जी का कार्यकाल अच्छा लगा, लेकिन वहीं कुछ और लोग जो हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो बहुत बढ़िया करेगी, बेहतर करेगी और हमारे एरिया को और संभालेगी। कैमरामैन मनदीप गौतम के साथ चंद्रप्रकाश नीरज की रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।